गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। हमने प्रीवियस क्लासेस तक सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की डेफिनेशन कंप्लीट कर ली थी। सेंटेंस क्या होता है? एक मीनिंगफुल वर्ड्स का वो ग्रुप होता है जो एक कंप्लीट सेंस देता है और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ओके, तो ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। उसके बाद हमने सेंटेंस के टाइप्स पढ़े थे और आज हमको पढ़ना है सब्जेक्ट क्या होता है, प्रीडिकेट क्या होता है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा और प्रीडिकेट क्या होगा वो हमको पढ़ना है। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, कोई भी सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक कहलाता है सब्जेक्ट और दूसरा कहलाता है प्रीडिकेट। कोई भी आप सेंटेंस उठा के देख लो उसमें दो पार्ट जरूर होंगे, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा प्रीडिकेट। अब पढ़ते हैं चलो सब्जेक्ट क्या होता है और प्रीडिकेट क्या होता है। तो द पार्ट Which names the person, जो नाम देता है person का, जो नाम देता है person का, और thing, वस्तु का नाम देता है, being spoken about, जिसके बारे में बोला जा रहा है, उसका नाम देता है, उसी को क्या बोलते हैं subject of a sentence। वापस समझाता हूँ, the part, वह part, which names, जो नाम देता है, the person, person का, और thing का being spoken about, जिसके बारे में बोला जा रहा है, is called the, उसको बोला जाता है subject of a sentence, sentence का subject। okay, मतलब कहने का means है which names the person, जो नाम देता है person का, और thing, और वस्तु का, being spoken about, जिसके बारे में बोला जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं subject of a person है। second, the part which tells something about the subject, और वह part which tells, जो बताता है something about the subject, subject के बारे में बताता है, is called a predicate, उसी को predicate बोलते हैं। subject के related कुछ information देता है, उसी को क्या बोलते हैं predicate। और subject कौन सा है, किस उस person का नाम क्या है, उस thing का नाम क्या है, उसी को बोलेंगे subject, उस sentence में उसको बोलेंगे subject। okay, अब example ले लो, example मैं यहाँ लिख देता हूँ, the monkeys are at the delicious mango, the monkeys at the delicious mango। तो ये वाला पार्ट कहलाएगा आपका, किसके बारे में बोला जा रहा है, monkeys के बारे में, तो ये कहलाएगा सब्जेक्ट, और at the delicious mango ये पूरा पार्ट कहलाएगा प्रीडिकेट। ओके, होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रीडिकेट क्या होता है। ओके, थैंक्स।